अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। एक तबसरा भारत की बदलती तस्वीर पर और मौजूदा दौर के मुसलमानों पर करेंगे। वैसे तस्वीर बदल रही है, हिंदुत्व हिंदू राष्ट्र के साथ मुगलों मुसलमानों के नामों को हटाकर तारीख भी बदली जा रही। टीवी सीरियल्स फिल्मों से लेकर बच्चों के हाथों में पढ़ी जाने वाली किताबों में भी अब मुसलमानों से नफरत और हिंदू राजाओं बादशाहों की तारीख को बढ़ावा दिया जा रहा है। सब कुछ बड़े ही मुनज्जम अंदाज में अंजाम दिया जा रहा है। राष्ट्र पुरुषों पर फिल्में तो बनाई जा रही है और बननी भी चाहिए, लेकिन साथ में इसमें कहीं तो जहर पैवस्त करने की भी कोशिश जारी है। आज खास तबसरा इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च इस पर करेंगे। ICHR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने 30 जनवरी से 6 फरवरी तक दिल्ली साहित्य अकेडमी की नुमाइश की इफ्तिताह मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स राजकुमार रंजन सिंह के हाथों अमल में आई। इस एग्जीबिशन में मराठा, चोल, राजपूत, यादव, प्रतिहार, विजयनगर की सल्तनतों और उनके बादशाहों की तारीख को वाज़ह किया गया और इनकी सल्तनतों के बारे में बताएगा। और सबसे अहम, इस एग्जीबिशन में किसी भी मुस्लिम बादशाह का जिक्र नहीं किया गया। अब तो तारीख बदलने का वैसे भी ऐलान हो चुका है। अब तो हुकूमतों की जानिब से ही हिंदू राजाओं की फक्रिया तारीख कहते हुए इसे गलत भी नहीं समझा जा रहा। इस एग्जीबिशन में कुल 49 राज्यों की तारीख को बयान किया गया और इनकी सल्तनत कहां से कहां तक थी, उस वक्त कौन सी तहजीब थी। लिहाजा मुल्क भर के स्कूलों में अब इन राजाओं की दास्तानों को नए से बताया जाएगा, ऐसा दिल्ली साहित्य अकेडमी ने बताया। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च अब नए सिरे से तारीख लिख रहा है। दिल्ली के दफ्तर में दाखिल होते ही आपको सावरकर की मूर्ति नजर आएगी और तमाम दीवारों को चमकीला भगवा रंग से रंगाया गया। जाहिर है बस इन तारीखदानों की नियत का ही पता चल जाता है। भले इस खबर को ज्यादा मकबूलियत या फिर इस पर कहीं तबसरा नजर नहीं आ रहा हो, लेकिन यकीनन ये बातें मुस्लिम समाज के साथ इस मुल्क की जमहूरियत को सीधे तौर पर चैलेंज कर सकते हैं। अब तो हिंदुत्व के खिलाफ उठती आवाजों को दबाने के लिए भी जो आवाज उठ रही थी अब वो भी धीमी होती जा रही है। इससे पहले भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि नई तालीमी पॉलिसी पर बहस मुबासे हुए, लेकिन किसी तरह के नतीजे बरामद होते दिखाई नहीं दे रहे। सेक्युलर ताकतें आहिस्ता आहिस्ता कहीं तो दम तोड़ती नजर आ रही है या तो फिर डरते हुए नजर आ रहे। सबसे अहम पहलू यह है कि मुस्लिम समाज खुद ही हथियार डालते नजर आ रहा है। उलमा या सियासी लीडरों पर बोलना अब वैसे भी कुछ मायने नहीं रखता, लिहाजा उम्मत का भी हाल है इस तरह हो गया कि समझौता कर किसी तरह गुजारा हो जाए। कहां तक साजिशें चली जा रही है और मिल्लत के हालात ही कुछ अलग हैं। महज जिंदा रहने की जद्दोजहद इस दौर के मुसलमानों में देखी जा रही है। हर फर्द अपनी सोच और फिक्र पर फैसले लेने के लिए आजाद होता जा रहा है। शरीयत, दीन, इस्लाम वगैरह महज बहस के लिए या तो फिर जुबानी जमा खर्च कह सकते हैं। कहां RSS संघ हिंदुत्व तंजीमें आने वाली नस्लों के जहनों पर क्या नक्श किया जाएगा, इस पर अभी से सोचो फिक्र मंसूबे और उस पर अमल भी कर रहे हैं। तो मुसलमान की सुबह और शाम बिना किसी मकसद के किसी मंसूबे के गुजर रही है। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च जैसी सरकारी महकमा बच्चों के जहनों पर कौन सी तारीख नक्श करनी है इस फिक्र में मुलविस देखी जा रही है। तो मुसलमानों की सोच और फिक्र का एक अंदाजा ही अलग है। मुसलमानों को तो पठान फिल्म से लेकर सैर तफरी, पार्टियां, बर्थडे, शादी, DJ इसकी फिक्र में देखा जा रहा है। कितना बड़ा फर्क दोनों तरफ नजर आ रहा है। अब वो काम क्या खाक कामयाब हो सकती है जो अपने बुजुर्गों की तारीख पर ही मेहनत नहीं करना चाहती। मौजूदा इसी दौर में आप देख सकते हैं, जब से भाजपा आई है या फिर संगीत तंजुमों का तसल्लुत बढ़ता जा रहा है, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेने से भी कुछ मुसलमान डरते नजर आ रहे हैं। टीपू सुल्तान की तस्वीर को किसी इजलास में लगाने से पहले कई मरतबा सोचा जा रहा है। अब मुसलमानों में ही टीपू अजनबी बनते जा रहे हैं। इससे बढ़कर इस कौम की क्या बदनसीबी हो सकती है। कहीं गैर नाराज ना हो जाए, महज इसी सोच ने अक्सर मिल्लत के उन लोगों को खौफजदा कर दिया है जो अपने आप को बड़े रसूख वाले समझते हैं। किसी तरह दौलत कमाई जाए, इसी एक फिक्र में मुसलमानों का अक्सर तबका सुबह शाम मुलविस देखा जा रहा है। फिर इससे कुछ अपने आप को दीनदार समझने वाले भी ना हो, ये भी तो मुमकिन नहीं है। अब तो जमीन के कारोबार में हर कोई किस्मत आजमा रहा है। यहाँ तक कि गैरों से मिलकर मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान के मामले में भी मांडोली करते हुए मुसलमानों को देखा जा रहा है। अपने जाती मुफाद को मुसलमानों के मुफाद से जोड़कर भाजपा के बड़े लीडरों से राबता रखना
शायद इस दौर का सबसे अफसोसनाक पहलू कह सकते हैं। भाजपा या संघ के मुकामी लीडरों की शान में कसीदे अपने आप को दीनदार समझने वाले लोग भी पढ़ते रहते हैं। कुछ लोग भाजपा की हिमायत में बोलते देखा जा रहे कि जब से फलाई एमएलए हुआ कोई दंगा नहीं हुआ, क्या मुकामी लीडर तो बहुत अच्छा है, हमें तो उनमें रहकर मुसलमानों की फलाह बहबूदी का काम करना है। ताज्जुब होता है कि किस इंतहा की पस्ती में जाकर अपना मुफाद तलाश रहा है। अगर महज अपना जाती मुफाद या कुछ मुसलमानों का फायदा या किसी स्कीम को लेकर उस सोच और फिक्र से जुड़ जाए जिसकी बुनियाद ही मुस्लिम दुश्मनी हो, क्या वाकई उन मुसलमानों का जहनी दिवालिया नहीं कह सकते? और क्या यह जायज हो सकता है कि हजारों मुसलमानों का कत्लेआम, इस्लामी कानूनों को तब्दील करना, मस्जिदों को शहीद करना? आज भी कई मुसलमानों को बजरंगदल वीएचपी के कारकुन जिंदा जला रहे, लेकिन उन लोगों से हमें क्या लेना देना? लेकिन अपना मुफाद हासिल करने के लिए उन लीडरों की फजीलत बयान करते हुए मुसलमानों को भी दो चार गालियां देना अब मामूल बनता जा रहा है। नया डायलॉग सुनने में मिलता है, उनमें रहकर यानी मुस्लिम दुश्मन पार्टी में रहकर मुसलमानों के काम करना। लिहाजा जो लिबास पहनकर आप अपने जमीर का सौदा कर रहे हैं ये भी ठीक नहीं है। और ये सब किस लिए? सिर्फ जिंदा रहने के लिए या उनकी खुशनुती हासिल करने के लिए, उन्हें खुश रखने के लिए ताकि वो तुम्हें अपने दुश्मनों की नजर से ना देखे? क्या जिंदगियों से इतनी मोहब्बत होने लगी है? तभी तो हमारी नमाज और दुआओं में असर नहीं रहा। अल्लामा इकबाल ने कहा, मताए कारवा जाता रहा, कारवा के दिल से एहसास जिया जाता रहा। अब एक और रमजान सामने है, एक सख्त तरबियत का महीना जिसमें अल्लाह और उसके दीन के खातिर जद्दोजहद करने का एहसास दिलाता है। लेकिन अब तो रमजान का तस्वीर ही बदल गया है। कुरान जैसी इनकलाबी किताब आसमान से उतारी गई। सहरी इफ्तारी के खानों की फिक्र में आज के मुसलमान का तमाम रमजान गुजर रहा है। तरावी में क्या पढ़ा जा रहा है, क्या सुना जा रहा है, कुछ एहसास नहीं रहता। बाजारों में खवातीनों का सैलाब देखने को मिलता है। कपड़े खरीदने के बहाने होटलों की तफरी होती रहती है। बेलगाम के कुछ होटलों में तो खवातीन कतार लगाकर सीढ़ियों में बैठी रहती है, यानी उस दिन रोजा वगैरह कुछ नहीं रहता। कुछ ऐसे भी हैं जो अपने आप को नबी के आशिक और मुहिब्बान औलिया समझने वाले फिरनी समोसे के कारोबार में इतना मसरूफ रहते हैं कि एक भी रोजा या नमाज अदा नहीं करते। और धीरे धीरे ऐसे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। अब क्या बदर का पैगाम ये समझेंगे और उस पर अमल करेंगे? यकीनन कुछ लोग हैं जो संजीदगी से नमाज, रोजा, इबादत, कुरान, तकवा, परहेजगारी से जुड़े हुए होते हैं, पर शायद उंगलियों पर गिन सकते हैं। शायद उन्हीं की वजह से बेलगाम या किसी शहर पर बड़ी आफत नहीं आती होगी, वरना क्या कुछ रमजान में नहीं होता? महज भूख के रहने से कुछ हासिल नहीं होता? मेरा तो एक तज्जिया ऐसा है कि 30-40% से भी ज्यादा मुसलमान जो नौजवान हट्टे कट्टे हैं रोजा नहीं रखते। खैर, मुसलमानों की ईद त्योहार इबादतों से लेकर शादी इजलास तक सिवाय अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करने के हमने क्या किया है? महज रस्म बाकी है, रूह कब की निकल चुकी है। ऐसा लगता है कि मुस्लिम कौम मरहूम हो चुकी है क्योंकि कोई जिंदा नजर नहीं आ रहा। जिंदा होते तो फिर जुल्म पर आवाज भी उठाते। यह खामोशी बहुत कुछ बयान कर रही है, इतना जरूर है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।